हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हम अच्छे हैं और आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल मैजिक किचन ऑफ कृष्णा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा, अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। हम लाते हैं आपके लिए हमेशा अमेजिंग अमेजिंग रेसिपी। अमेजिंग रेसिपी देखना है तो जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ और जुड़े रहिएगा हमेशा। लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चले आज बनाते हैं स्पेशल रेसिपी। तो आज की रेसिपी क्या है, चलिए वॉच करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रेंड्स एक यम्मी डिलीशियस व्हाइट सॉस, एक्जोटिक वेजिटेबल फुसली। बहुत टेस्टी है ये पास्ता और इसको बनाएंगे हम जेके मसाले के साथ में। जेके का इटालियन सीजनिंग इसको यूज करेंगे और बहुत टेस्टी बनने वाला है ये इटालियन पास्ता फुसली व्हाइट सॉस में और एग्जॉटिक वेजिटेबल में। बहुत यमी और बहुत डिलीशियस एंड डिफरेंट आल्सो। मैजिक किचन हमेशा लाते हैं मेडिकल रेसिपी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने पानी अच्छे से बॉईल कर लेना है, बिल्कुल उबलने लग जाए तब हम इसमें ऐड कर देंगे फुसली। देखिए फुसली हम ऐड कर रहे हैं, तो जितना आपको बनाना है उतना आप ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ तकरीबन 100 ग्राम फुसली ऐड कर रहे हैं। इसको जैसे ही गर्म पानी में ऐड करेंगे एक साथ, तो ये पानी का टेम्परेचर थोड़ा डाउन होगा लेकिन उसके बाद फिर हाई हो जाएगा। तो नमक ऐड कर दिया हमने 1 टीस्पून और ऐड कर देंगे थोड़ा सा ऑयल। क्या होगा, ऑयल ऐड करने से ये आपस में चिपकेंगे नहीं और नमक ऐड करने से ये हल्का सा सॉल्टी हो जाएंगे। तो पानी में थोड़ा सा नमक और थोड़े से ऑयल के साथ ये देखिए उबाल आने लग गया है। थोड़ा सा हिला देंगे इसको जिससे ये अच्छे से ये देखिए आपस में चिपकेंगे नहीं और इसको हमें बॉईल करना तब तक जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तो देखिए अच्छा उबाल आ गया है, ये देखिए आपस में चिपके नहीं बिल्कुल भी। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसको जब आप पानी में ऐड करते हैं थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा ऑयल ऐड करते हैं। ये देखिए तो ये काफी सॉफ्ट हो जाए, बहुत गलाना नहीं है इसको, जस्ट इतना ही सॉफ्ट करना है। ये देखिए बस इतना। तो ये सॉफ्ट हो गया है काफी। ये देखिए अब क्या होता है कि इसका कुकिंग प्रोसेस चालू रहता है तो उसको रोकने के लिए हम इसे ठंडे पानी में ऐड करेंगे। तो ये ठंडा पानी ले दिया हमने और उसमें हम निकाल लेते हैं ये गरम गरम फुसली। ध्यान रखें फ्रेंड्स कि ये गरम गरम फुसली है तो इसे ठंडा करने के लिए ठंडे पानी में ऐड करते जाएं। इससे दो फायदे होंगे, एक तो ये आपस में चिपकेंगे नहीं, दूसरा इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगा और ये ओवर कुक नहीं होगा। तो ये देखिए हम ऐड करते जा रहे हैं इसको पानी में, थोड़ी देर इसी पानी में रखेंगे ठंडे पानी में, उसके बाद इसको पानी को ड्रेन कर देंगे। तो इसको छान लेंगे, स्ट्रेनर पे रख निकाल लेंगे। पहले इसको निकाल लेते हैं हम ठंडे पानी में। ये देखिए ठंडा हो गया और आपस में चिपक भी नहीं रहा और बहुत अच्छे से ये बॉयल हो चुका है। आप क्या करेंगे, इसको हम स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर देंगे। ये देखिए इस तरह से स्ट्रेनर लगा दिया हमने और अब इसको स्ट्रेन कर देंगे। ये देखिए तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल आपस में चिपकते नहीं है। तो ये वाला टेक्निक जरूर अपनाइएगा तो आपकी फुसली बहुत ये देखिए सॉफ्ट है, काफी सॉफ्ट है और ये बिल्कुल आपस में चिपके नहीं, इसका स्टार्च पूरा निकल गया।
चलिए बना लेते हैं वेजिटेबल। ये हमने ऑयल और बटर का मिक्सचर लिया है, इसको गरम करेंगे और इसमें ऐड कर लेंगे। तो बेबी कॉर्न को हमने इस तरह से कट किया है, देखिए छोटे छोटे कट किए हैं। बेबी कॉर्न यूज करें जो कि इसमें बहुत टेस्टी होता है। ये एग्जॉटिक वेजिटेबल है जो कि बहुत यमी और बहुत हेल्दी होता है। आप चाहें तो बेबी कॉर्न की जगह कॉर्न भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉर्न यूज कीजिएगा तो उसको पहले ब्लांच कर लीजिएगा, बॉईल कर लीजिएगा, पानी ड्रेन करके फिर आप फ्राई कीजिएगा उसको। तो ये बटर और ऑयल के मिक्सचर में बेबी कॉर्न को हमें 2 मिनट अच्छे से सॉटे करना है। ध्यान रखें कि सॉटे करते वक्त फ्लेम हाई कर लें और हाई फ्लेम पे इसको सॉटे करें। और अब ऐड कर देंगे इसमें रेड वेल पेपर यानी शिमला मिर्च, येलो वेल पेपर, आप चाहें तो यहाँ ग्रीन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ ग्रीन यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर ग्रीन कलर नहीं चाहिए, तो हम रेड और येलो वेल पेपर यूज किया है। आप चाहें तो यहाँ पे मशरूम भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसमें कोई भी वेजिटेबल लाइक ब्रोकली है या और कोई वेजिटेबल आप यूज करना चाहें एग्जॉटिक, तो आप यहाँ यूज कर सकते हैं। तो हम टोटली ये एग्जॉटिक बना रहे हैं इसलिए हमने ये वेजिटेबल्स यूज किया है। हम जो फुसली बना रहे हैं उसमें हमें बिल्कुल ग्रीन कलर नहीं देना है, इसलिए हमने ग्रीन कलर का कोई वेजिटेबल यूज नहीं किया। ऐड कर देंगे सॉल्ट सीजनिंग के लिए। ध्यान रखें कि फ्लेम इस समय हाई ही होना चाहिए और हाई फ्लेम पे ही करें। ये हम इटालियन सीजनिंग यूज करेंगे, जेके का इटालियन सीजनिंग है। इसमें सभी मसाले प्रॉपर पोर्शन में ऐड है और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये क्रशर के साथ आता है, तो अलग से क्रशर की जरूरत नहीं है, आप इसी में क्रश करके ऐड कर लें जितना आपको ऐड करना है। तो ये बेनिफिट देता है जेके मसाला, तो जेके का जरूर खरीदिए ये एग्जॉटिक इटालियन सीजनिंग। ये देखिए जितना हमें चाहिए उतना हम क्रश कर सकते हैं। तो जेके का ये इटालियन सीजनिंग है। अब हम इसको करेंगे अच्छे से फ्राई हाई फ्लेम पे। फ्लेम को हाई ही रखें, लो ना करें, और हाई फ्लेम पे इसको हम अच्छे से सॉटे कर लेंगे। बहुत ज्यादा नहीं पकाना है फ्रेंड्स इसको, जस्ट इसको हल्का सा सॉफ्ट करना है, इसका क्रंचीनेस बना रहना चाहिए। तो इसको सॉटे कर लेंगे हाई फ्लेम पे। तो देखिए फ्लेम काफी हाई है और फ्लेम हाई होने पर ये वेजिटेबल बहुत सॉफ्ट नहीं होते, क्रंच बना रहता है, और यदि आप बिल्कुल लो फ्लेम पे करेंगे ना तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये देखिए हाई फ्लेम पे इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लिया। निकाल लेते हैं इसको, आप देख सकते हैं किस तरह का हमें चाहिए। तो ये क्रंच इसमें बना रहेगा और हल्का सा सॉफ्ट होगा। ये देखिए सारे वेजिटेबल फ्राई कर लिए हमने। तो फ्रेंड्स एग्जॉटिक वेजिटेबल तो हमारा बटर और ऑयल के मिक्सचर में फ्राई हो चुका है, इसको निकाल देंगे। अब हम बनाएंगे व्हाइट सॉस। व्हाइट सॉस भी हम स्पेशल व्हाइट सॉस बनाएंगे चीज के साथ में, जो ऑयल और बटर हमने लिया था इसी में हम बना लेंगे। काफी सारा है और ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो इसी में हम बना लेंगे सॉस। वेजिटेबल का फ्लेवर इसमें आ चुका है तो काफी टेस्टी बनने वाला है सॉस। इसमें ऐड कर देंगे हम 1 टेबल स्पून ऑल पर्पज फ्लावर यानी मैदा और 1/2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, और अब इसको करेंगे अच्छे से फ्राई। फ्लेम को अब लो कर दिया है हमने, हाई नहीं करें, हाई करेंगे तो जल जाएगा, तो लो फ्लेम पे ही बनाना है हमें ये व्हाइट सॉस। तो इस मैदा और कॉर्नफ्लावर के मिक्सचर को अच्छे से देखिए बिल्कुल गुठली नहीं आनी चाहिए, इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे लो फ्लेम पे। अब इसमें ऐड करेंगे दूध, ये फुल क्रीम मिल्क है, 1 कप हमने ऐड किया। 1 कप में पहले इसको मिक्स करेंगे अच्छे से ताकि लम्स नहीं आए, उसके बाद 1 कप दूध और हम ऐड करेंगे। टोटल 2 कप दूध यानी 250 ml हम दूध ऐड कर रहे हैं। तो दूसरा कप भी हमने ऐड कर दिया है और ये अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे
ताकि लम्स बिल्कुल नहीं आए। फ्लेम लो रखना है, ध्यान रखें फ्लेम हाई नहीं करें, लो फ्लेम पे ही इसको अच्छे से मिक्स कर दें। आप देख सकते हैं कितना थिक हो जाता है जब आप कॉर्नफ्लावर और मैदे को अच्छे से बटर में फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए अब हम इसको विस्कर ले लेंगे और इस तरह से विस्क करेंगे ताकि लम्स बिल्कुल भी नहीं आए। ये देखिए इस तरह से पकाएंगे और लो फ्लेम पे ही पकाना है हमें। ध्यान रखें फ्रेंड्स कि गुठली बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, अच्छे से इसको मिक्स करें, इस तरह से विस्क करें जिससे जो आपका व्हाइट सॉस बनेगा वो बहुत यम्मी बनेगा और बिल्कुल बिना गुठली के बनेगा। तो अच्छे से मिक्स कर दिया, फ्लेम लो है, ऐड कर देंगे इसमें सॉल्ट थोड़ा सा, ऐड कर देंगे सीजनिंग, इटालियन सीजनिंग हम ऐड कर रहे हैं, ये जेके का इटालियन सीजनिंग है। सो जेके क्रशर के साथ देता है इटालियन सीजनिंग। सारे मसाले इसमें ऐड है, जस्ट बस क्रश कीजिए और ऐड कर दीजिए, फिर मिक्स कर दीजिए। ये देखिए बहुत अच्छा सॉस बनने वाला है और एक टेस्टी यमी सॉस बनेगा, यमी सॉस बनकर रेडी होगा। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर रहे हैं हम इसको। आप चाहे तो थोड़ा सा शुगर ऐड कर सकते हैं, शुगर से थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है सब कुछ। ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया हमने। तो फ्रेंड्स हमारा ये सॉस लगभग बनकर रेडी है। अब ऐड कर देंगे इसमें मोजरेला चीज, हम मोजरेला यूज कर रहे हैं। आप चाहें तो कोई और चीज भी ऐड कर सकते हैं, चेडर या फिर पार्मेसान ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ मोजरेला ऐड कर रहे हैं क्योंकि मोजरेला वाला टेस्ट हमें चाहिए। सो हमने ऐड कर दिया मोजरेला 70 ग्राम, अच्छे से हमने इसको मिक्स कर देना है। ये देखिए मोजरेला का आ गया टेक्सचर, बिल्कुल ऐसा चाहिए हमें। अब ऐड कर देंगे ये फ्राई किए हुए वेजिटेबल्स बटर के साथ में, जो बटर हमने फ्राई करने के लिए यूज किया था वो पूरा इसमें ऐड कर रहे हैं। देखिए इसको मिक्स कर देंगे वेजिटेबल्स को, और ये काफी थिक हो चुका है हमारा सॉस, क्योंकि चीज ऐड करने के बाद ध्यान रखें कि ये चिपक सकता है, इसलिए फ्लेम लो रखें और इसको मिक्स कर दें। अच्छे से मिक्स करते रहें जिससे ये चीज चिपके नहीं। तो वेजिटेबल हमारा मिक्स हो चुका है, अब ऐड कर देंगे फुसली। देखिए पानी स्ट्रेन कर दिया था हमने बिल्कुल, और बिल्कुल एक एक फुसली आपको सेपरेट मिलेगी। अब इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। देखिए सॉस काफी है, तो ध्यान रखें सॉस ज्यादा होना चाहिए, यदि कम सॉस में बनाएंगे तो टेस्टी नहीं बनेगा। थोड़ा सा सॉस का पोर्शन ज्यादा होना चाहिए फुसली से। चलिए अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। ये देखिए सॉस का पोर्शन कितना है, आप देख सकते हैं कितना ज्यादा है सॉस का पोर्शन। मुंह में पानी आ रहा है ना फ्रेंड्स, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, खुशबू भी बहुत शानदार आ रही है। देखिए मिक्स कर दिया हमने, अब थोड़ा सा मोजरेला और थोड़ा सा ऐड कर दिया हमने मोजरेला, और ऐड करेंगे थोड़ा सा इटालियन सीजनिंग जेके का। सो जेके मसाले, भरोसेमंद मसाले। स्वस्थ खाओ और सेहत बनाओ जेके के संग। तो जेके मसाले ले आइए मार्केट से और यूज कीजिए। देखिए क्रशर की वजह से इजीली ये हम मिक्स कर सकते हैं, क्रश करके और इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। तो फ्रेंड्स हमारा ये स्पेशल व्हाइट सॉस एक्सोटिक वेजिटेबल फुसली बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए कितना यम्मी लग रहा है, आई कांट कंट्रोल, मुझे तो बस खाना है। और आप क्या सोच रहे हैं, जाइए जाइए बनाइए, मार्केट से ले आइए इटालियन सीजनिंग जेके का और बना डालिए, सोचना क्या है।
देखिए कितना शानदार है ये। वाओ, टेस्टी, डिलीशियस फुसली, व्हाइट सॉस, एक्सोटिक वेजिटेबल फुसली बनकर रेडी है फ्रेंड्स, और बच्चे वेट कर रहे हैं इसको खाने के लिए। तो क्यों इंतजार कराएं बच्चों को, चलिए कर देते हैं इसको प्लेट। सो हमारा स्पेशल इटालियन फुसली बनकर रेडी है, इटालियन फुसली और एक्सोटिक वेजिटेबल व्हाइट सॉस में है। अमेजिंग, डिलीशियस एंड वाओ। टेस्ट कीजिएगा, आप बनाइएगा और बताइएगा कैसा बना। हम कर रहे हैं प्लेट क्योंकि बच्चे कर रहे हैं इंतजार। तो गर्मा गर्म इटालियन एक्सोटिक वेजिटेबल व्हाइट सॉस फुसली बनकर रेडी है फ्रेंड्स। परोस देते हैं हम बच्चों के लिए। मोज़रेला चीज के साथ बहुत टेस्टी लगता है, किसी और चीज के साथ भी बनाकर देखिएगा, बट मोज़रेला के साथ तो ये बहुत वाओ टेस्ट देता है, तो मोज़रेला जरूर यूज करें। देखिए रेडी हो गया हमारा इटालियन व्हाइट सॉस एक्सोटिक वेजिटेबल फुसली। सोचना क्या है फ्रेंड्स, जाइए जाइए जल्दी से बनाइए और बच्चों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए और खुद भी खाइए। बहुत टेस्टी है ये, देखिए बिल्कुल गर्मा गर्म है और ऊपर से थोड़ा सा मोज़रेला चीज और स्प्रेड कर देंगे हम इस तरह से, और थोड़ा सा इटालियन सीजनिंग और इसके ऊपर से कर देंगे। देखिए खूब सारा मोज़रेला डाला हमने और थोड़ा सा इटालियन सीजनिंग जेके का। अमेजिंग अमेजिंग है ये, चलिए क्रश कर देते हैं। तो फ्रेंड्स तैयार हो गया है हमारा वाओ पास्ता फुसली, इटालियन व्हाइट सॉस एक्सोटिक फुसली रेडी है फ्रेंड्स। चलिए इसका आनंद उठाते हैं और लाइएगा मार्केट से ये इटालियन सीजनिंग जेके मसाले का, जिसमें क्रशर आपको दिया गया है और क्रशर के साथ में आप इजीली इसको क्रश कर सकते हैं। सो एक्स्ट्रा आपको क्रशर लाने की जरूरत नहीं है, जेके आपको क्रशर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जरूर लेकर आइएगा जेके मसाले और बनाइएगा। देखिए कितना टेस्टी है ये फुसली, अमेजिंग। ये देखिए मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है फ्रेंड्स, आई कांट कंट्रोल, मैं तो खाने चल रही। आप जल्दी से लेकर आइए और बनाइए ये इटालियन फुसली, अमेजिंग एंड डिलीशियस। मन को भाए ये इटालियन एक्सोटिक वेजिटेबल व्हाइट सॉस फुसली जेके के साथ, क्या कहने, भाई वाह। जाइए जाइए बनाइए, क्या सोच रहे हैं, हम लाएंगे फिर आपके लिए बहुत सारी यम्मी डिलीशियस रेसिपी जेके मसाले के साथ में। बने रहिएगा और बनाते रहिएगा। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी, अच्छी लगी ना? यदि आपको हमारी रेसिपी आज की अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि रेसिपी सबसे पहले आपको मिले। और जो फ्रेंड चुपके चुपके देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक कमेंट नहीं करते, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तभी तो हम फ्रेंड्स की तरह रहेंगे और आप बनाएंगे हमारी अमेजिंग रेसिपी। सो फ्रेंड्स सब्सक्राइब पहले कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हम लाते हैं आपके लिए हमेशा डिलीशियस रेसिपीज, तो डिलीशियस रेसिपी बनाने के लिए मैजिक किचन हमेशा आपके साथ खड़ा है, आपके पास है। सो फ्रेंड्स बनाइए अमेजिंग रेसिपी आज की, हम लाते हैं आपके लिए फिर नई रेसिपी, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय ऑल ऑफ यू, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बनाते रहिए अमेजिंग रेसिपी शेफ कृष्णा के साथ। बाय बाय ऑल ऑफ यू।